इग्निशन की बात कर रहे थे, फिजिकल प्रोसेस में डिस्कस कर लिया था बच्चों, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये फॉर्मूला फिजिकल प्रोसेस के लिए वैलिड है ना, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों वेरी करें किसके लिए, फेस चेंज के लिए और किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं रहती है बच्चों, है ना। लेकिन इस फॉर्मूले का हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है फॉर्मूला, क्योंकि वो अपन ने डी क्यू को एस डी टी लिख दिया था ना, डी क्यू को टी डी एस लिख दिया था, डी क्यू क्या लिख दिया था बच्चों, टी डी एस लिख दिया था, है कि नहीं। तो रिवर्सिबल की तो कंडीशन है ही, तो बच्चों यदि रिवर्सिबल रिएक्शन है या रिवर्सिबल फेस चेंज है तो किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूटिलाइज कर सकते हैं वो देख रहे हैं, है ना। हेडिंग डालो रिवर्सिबल फेस चेंज ऑब्लिक केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस होने चाहिए भाई। तो देखो बच्चों, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये फॉर्मूला प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों वेरी कर रहे हैं फेस चेंज में या केमिकल रिएक्शन में, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो बच्चों हम एक कंडीशन लगा के अपन इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यदि बच्चों क्या करूंगा मैं, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखूँ एक बार, और एक बार ये हो सकता है कि मैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखूँ, है कि बात समझ में आके, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों भी कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, प्रेशर कॉन्स्टेंट है या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, क्लियर है। यदि प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा तो डी जी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस एस डी टी, और यदि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट डी जी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों वी डी पी। अब तुम जानते हो रिएक्शन के लिए जी किससे डिफाइन करते हैं, डेल्टा आर जी से। डेल्टा आर जी क्या होता है, गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बच्चों। तो यहां पे क्या आ जाएगा, और एस को किससे रिप्लेस कर दोगे बच्चों, डेल्टा आर एस से। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी ऑफ डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर एस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये टी वन से टी टू तक इंटीग्रेट होगा बच्चों, ये डेल्टा आर जी वन से डेल्टा आर जी टू तक, क्लियर है। गिव्स रिएक्शन की गिव्स एनर्जी टी वन टेम्परेचर में कुछ अलग आएगी, टी टू टेम्परेचर में कुछ अलग आएगी। तो बच्चों यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा आर जी टू माइनस डेल्टा आर जी वन, तो ये क्या जाएगा बच्चों, माइनस डेल्टा आर एस टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, ये फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों किसके लिए, रिवर्सिबल फेस चेंज हो या रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो, क्लियर है फंडा। अब देखो बच्चों यहां पे भी भाई जी को रिप्लेस करूंगा डेल्टा आर जी से, क्योंकि फेस चेंज या केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, है कि नहीं। और वी को रिप्लेस करूंगा डेल्टा आर वी से, वी को रिप्लेस करूंगा बच्चों डेल्टा आर वी से, कैसे रिप्लेस करूंगा बताऊंगा मैं अभी। तो डी ऑफ डेल्टा आर जी, डी ऑफ डेल्टा आर जी इज इक्वल टू डेल्टा आर वी इंटू डी पी, इंटू डी पी, इंटीग्रेशन चलेगा कहां से कहां तक बच्चों, पी वन से पी टू तक, है कि नहीं। और यहां पे इंटीग्रेशन चलेगा कहां से, ध्यान से देखो, डेल्टा आर जी वन से डेल्टा आर जी टू तक। तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा डेल्टा आर जी टू माइनस डेल्टा आर जी वन इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, डेल्टा आर वी पी टू माइनस पी वन, पी टू माइनस पी वन, क्लियर है बच्चों। जैसे बच्चों कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, ध्यान से देखो यहां पे, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, कार्बन सॉलिड डायमंड के साथ। तो कैसे लगाओगे, रिवर्सिबल रिएक्शन ना लगा सकता हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन लगा सकता हूं, है कि नहीं। तो देखो बच्चों यहां पे क्या डिफाइन करूंगा, ध्यान से देखना, डेल्टा आर वी वॉल्यूम ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कार्बन सॉलिड डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट। इस तरीके से बच्चों मैं डेल्टा आर वी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ऐसे एच टू ओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं डेल्टा आर वी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्लियर है फंडा, बात समझ में आ गई। ये कौन सी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, लिख डालो। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिख लिया ये।
तो बच्चों जो मैक्सिमम फॉर्मूलाज थे आपके कवर अप हो गए, जिनको प्रॉपर तरीके से कंडीशन आपको क्लियर होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हेडिंग डालो गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई रिएक्शन है बच्चों जो कि रिवर्सिबल है नेचर में, ए प्लस बी बी इज एन इक्विलिब्रियम विथ सी सी प्लस डी डी, है ना। तो बच्चों क्या अपन इक्वेशन डिफाइन करते हैं, डेल्टा आर जी इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये क्या है बच्चों, डेल्टा आर जी रिएक्शन का गिव्स एनर्जी चेंज। बताओ रिएक्शन की गिव्स एनर्जी क्या होती है, गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, ये स्टैंडर्ड स्टेट में। और क्यू क्या होता है बच्चों, क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट। क्यू क्या होता है भाई, रिएक्शन कोशेंट। तो देखो बच्चों क्यू को आप क्या, क्यू एक यूनिटलेस क्वांटिटी होना चाहिए क्योंकि एलन के अंदर की क्वांटिटी है, उसे यूनिट में रख के क्या करोगे, है ना। तो ये कैसे निकालते हैं बच्चों, एक्टिविटी ऑफ सी की पावर सी, एक्टिविटी ऑफ डी की पावर डी अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए की पावर ए, एक्टिविटी ऑफ बी की पावर बी। क्लियर है फंडा। तो देखो बच्चों ये एक्टिविटी, एक तो अपना गैसियस कंपोनेंट के लिए अपन डिफाइन करेंगे और एक डिफाइन करेंगे बच्चों किसके लिए, डिजॉल्व्ड आयंस ऑब्लिक सॉल्यूट के लिए, डिजॉल्व्ड आयंस ऑब्लिक सॉल्यूट के लिए बच्चों, है ना। ध्यान से देखो गैस है, गैस है अपनी, है ना। यहां पे एक्टिविटी गैस की अपन प्रेशर और कंसेंट्रेशन के टर्म्स में डील कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने बताया है ना। तो बच्चों जैसे प्रेशर के टर्म्स में डील कर रहा हूं, तो एक्टिविटी ऑफ गैस क्या होगी, एक्टिविटी ऑफ गैस क्या होगी, ध्यान से देखना, प्रेशर ऑफ गैस अपॉन पी नॉट, प्रेशर ऑफ गैस अपॉन पी नॉट। ये P नॉट इज स्टैंडर्ड प्रेशर, दैट इज वन बार। क्या है बच्चों, वन बार, मतलब एक्टिविटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी क्योंकि हमें यहां पे रिएक्शन कोएफिशिएंट को यूनिटलेस टर्म में रखना है, क्लियर है। इसलिए मैंने P नॉट वन बार से डिफाइन कर दिया। जैसे गैस का प्रेशर है बच्चों 5 atm, है ना, तो 5 atm अप्रोक्सीमेट 5 bar के बराबर है, तो एक्टिविटी ऑफ गैस की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्लियर है फंडा, बात समझ में आ गई। डिजॉल्व्ड आयंस और सॉल्यूट के लिए क्या होगा, एक्टिविटी अपन डिफाइन करेंगे क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ आयन अपॉन सी नॉट। सी नॉट क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन, दैट इज वन मोलर, दैट इज वन मोलर। यूनिटलेस क्वांटिटी बनाने के लिए हम सी नॉट और पी नॉट से डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर है। क्योंकि क्यू को अपन को क्या करना है बताओ, यूनिटलेस रखना है, क्यू को यूनिटलेस रखना है बच्चों, क्लियर है फंडा। केवल उसकी वैल्यू रखनी है अपने को, यूनिट से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है बच्चों। फॉर प्योर सॉलिड्स ऑब्लिक लिक्विड्स, बताओ क्या होता है, एक्टिविटी की वैल्यू अपन क्या पुट कर देते हैं, इनकी कंसेंट्रेशन वगैरह में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, एक्टिविटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या पुट कर देते हैं बच्चों, 1 पुट कर देते हैं। क्लियर फंडा, ये सारी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो क्या बोल रहा हूं, इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम तो बताओ डेल्टा आरजी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। डेल्टा आरजी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो बताओ डेल्टा आर जी नॉट किसके बराबर आ जाएगा आपका, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाएगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाएगा, है ना बच्चों। तो जो डेल्टा आर जी नॉट है वो किसका मेजरमेंट देता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेजरमेंट देता है। किसका मेजरमेंट देता है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। यदि बच्चों देखो ध्यान से कंडीशन, अब बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि गैसियस रिएक्शन है, सपोज ए ए गैसियस प्लस बी बी गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विद सी सी गैसियस। सर इसका केपी भी डिफाइन हो सकता है, केसी भी डिफाइन हो सकता है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी रहेगी, जब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पुट करोगे तो केपी रखोगे, क्या करोगे बच्चों, केपी पुट करोगे। तो ध्यान से सुनना, गैसियस रिएक्शन के लिए सारे गैसियस स्पीसीज इन्वॉल्व है, तो गैसियस रिएक्शन के लिए क्या पुट करोगे बच्चों, केपी पुट करोगे, है ना। यदि केवल डिजॉल्व्ड आयंस और सॉल्यूट प्रेजेंट है, जब डिजॉल्व्ड आयंस ऑब्लिक सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या पुट करोगे, के इक्विलिब्रियम को केसी पुट करोगे, क्या पुट करोगे बच्चों, केसी पुट करोगे, क्लियर है। तीसरा देखो, गैसियस प्लस डिजॉल्व्ड आयंस दोनों प्रेजेंट है, उस केस में आप क्या पुट करोगे बच्चों, उस केस में आप पुट करोगे क्या, केपीसी, क्या रखोगे बच्चों, केपीसी, क्लियर है फंडा। उस केस में आप केपीसी रखोगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब भी डेल्टा आरजी नॉट की वैल्यू निकाल लो, लिख डालो ये,
तो लिख लो बच्चों, डेल्टा आरजी नॉट गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट इज अ मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. डेल्टा आरजी नॉट इज अ मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्लियर है फंडा? ये बात क्लियर होना चाहिए आपको. चलो अब देखो बच्चों, कुछ रिएक्शंस ले रहा हूं मैं, ध्यान से यहां पे आओ. एग्जांपल ले लेते हैं अपन. HCN एक्वस पानी में ये क्या करता है बच्चों, एसिड का काम करता है. क्या देगा? H3O पॉजिटिव पानी में H+ H3O पॉजिटिव के फॉर्म में प्लस OH नेगेटिव एक्वस. इस तरीके से बच्चों ये सारे यहां पे एक्वस स्पीशीज इन्वॉल्व है. ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, इसकी एक्टिविटी 1 पुट कर दोगे तो यहां पे क्या डिफाइन करोगे? Kc कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCN. क्लियर है बच्चों? जैसे एक और रिएक्शन लिख लिया मैंने, क्या देखो ध्यान से, NH3 गैसियस प्लस H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद, बच्चों क्या लिख रहा हूं मैं, NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस. ओहो यहां क्या कर दिया, ये CN नेगेटिव आएगा है ना. क्या आएगा बच्चों? CN नेगेटिव आएगा यहां. क्लियर है बात? समझ में आई? तो यहां पे क्या डिफाइन करोगे? देखो गैसियस और एक्वस स्पीशीज दोनों इन्वॉल्व है, तो KPC लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3. और वाटर की एक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी है ना. KPC KC ये सब लिखना मैंने इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में सिखाया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्लियर है फंडा? लिख डालो भाई. चलो अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक अप्रोच. हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक अप्रोच. लास्ट टॉपिक छोटा सा. बेटा क्या होता है? डेल्टा आर एच, डेल्टा आर जी नॉट होता है डेल्टा आर एच नॉट माइनस टी डेल्टा आर एस नॉट. ये इक्वेशन कब आती है? कांस्टेंट टेम्परेचर में. तुम्हें याद हो क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं. माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा आर एच नॉट माइनस टी डेल्टा आर एस नॉट. क्लियर है फंडा? तो यहां से क्या आ गया, एल एन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई डेल्टा है ना, ये टी से टी गया और ये आ गया डेल्टा आर एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा आर एच नॉट अपॉन आर टी. ये इक्वेशन आ गई बच्चों है ना. तो देखो ये क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंट्रोपी और एंथैल्पी वगैरह से रिलेट हो रहा है. तो थर्मोडायनेमिक से अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, थर्मोडायनेमिक टर्म से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को रिलेट कर रहा है. यहीं से वॉन्ट ऑफ इक्वेशन डिराइव होती है. वॉन्ट ऑफ इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे. क्लियर है? पहले ये लिख डालो. क्लियर है? अब देखो कुछ ग्राफ्स बनाते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा आर एच नॉट पॉजिटिव क्वांटिटी होती है कि नहीं? यदि मैं एलन के इक्विलिब्रियम वर्सेस बच्चों किसका ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखना. मैं ग्राफ बनाऊं 1/T का, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा. क्यों? देखो यहां पे y इज इक्वल टू c और ये हो गया क्या, माइनस m. और 1/T क्या है मेरा, 1/T x है. तो बच्चों कुछ ऐसा ग्राफ आएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा आर एस नॉट अपॉन r है ना. स्लोप क्या हो जाएगा भाई, स्लोप हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा आर एच नॉट अपॉन r, इस ग्राफ का स्लोप. क्लियर है? इस तरीके से ग्राफ वगैरह पूछ सकते हैं तो इस पर क्लियरिटी होनी चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं. पहले यहां तक लिखो आप.
हाँ बच्चों, अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, डेल्टा आर एच नॉट होगा नेगेटिव, है कि नहीं, एंथैल्पी चेंज क्या होता है एक्सोथर्मिकली, नेगेटिव होता है बच्चों। तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, एलन के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/T, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, ये ऐसा, ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा आर एस नॉट अपॉन आर, क्लियर है। और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा बताओ प्लस डेल्टा आर एच नॉट अपॉन आर, या फिर माइनस डेल्टा आर एच नॉट अपॉन आर लिख दो, और डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू अपने आप नेगेटिव रहेगी तो स्लोप अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है फंडा। इस तरीके से ग्राफ पूछे जाते हैं बच्चों, ये ग्राफ बना लो, अब देखो बच्चों वॉन्ट ऑफ इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं ना टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, d/dt ऑफ एलन के इक्विलिब्रियम है ना, अब डेल्टा आर एस नॉट को मैं अज्यूम कर रहा हूँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो आर तो वैसे ही कॉन्स्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, और बेटा 1/t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/t², तो ये बन जाएगा प्लस डेल्टा आर एच नॉट बाय आर टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान से देखो इंटीग्रेट करके क्या आएगा, यहां से देखो ध्यान से, d ऑफ एलन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा, अब डेल्टा आर एच नॉट को भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मान रहा हूं, डेल्टा आर एच नॉट को भी क्या मान रहा हूं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मान रहा हूं, ये क्या आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्लियर है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं एलन के इक्विलिब्रियम, T1 टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, के इक्विलिब्रियम 1 है ना, के इक्विलिब्रियम 1 से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, के इक्विलिब्रियम 2 तक, T2 टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है के इक्विलिब्रियम 2, क्लियर है बच्चों। तो यहां से जब आप इक्वेशन को डिराइव करोगे आपकी इक्वेशन आ जाएगी एलन के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा आर एच नॉट अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों आपकी फाइनल। इसको बोलते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, क्या बोलते हैं बच्चों, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, क्लियर है। और आप यहां पे क्या डिफाइन की हो, T1 टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, के इक्विलिब्रियम 1, ठीक है, ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1, क्लियर है। T2 टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है के इक्विलिब्रियम 2, और ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, क्लियर है। यदि बच्चों यदि डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो के इक्विलिब्रियम 2 की वैल्यू के इक्विलिब्रियम 1 से बड़ी आएगी, तभी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, क्लियर है। इसको नेगेटिव रखोगे के इक्विलिब्रियम 2 की वैल्यू के इक्विलिब्रियम 1 से कम आएगी, तभी क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, रिएक्शन पीछे की तरफ शिफ्ट होती है। ये सारी बात हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चैप्टर में किया था। तो बच्चों ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स की समाप्ति, प्रॉपर तरीके से रिविजन कर लेना, अच्छे से वर्कआउट कर लेना बच्चों, ठीक है। सारे पॉइंट्स थर्ड लॉ के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, सेकंड लॉ के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, सेकंड लॉ में कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट लॉ तक तो आसान होता ही है। प्रॉपर रिवीजन करते रहो, चैप्टर का रिवीजन करते चलो, क्लियर है पॉइंट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।